कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग समय के साथ बदलता जा रहा है। कोयला का उपयोग पहले रेलगाड़ी में किया जाता था, अब जलयान, वायुयान सब पेट्रोल और डीजल से चलाए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से ही पाए गए हैं। चलो अब हम कोयला और पेट्रोलियम के अधिक गुणों पर विचार करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के दो व्यापक रूप, अक्षय प्राकृतिक संसाधन तथा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वह होते हैं जो संसार में असीमित मात्रा में प्रस्तुत होते हैं और इनका मनुष्य की क्रियाओं के कारण समाप्त होना असंभव है। इनके कुछ उदाहरण है जल, वायु, सूर्य आदि। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वह होते हैं जो संसार में सीमित मात्रा में प्रस्तुत होते हैं और मनुष्य के कारण इनका समाप्त होने की संभवता है, जैसे कि वन, पेट्रोलियम आदि। कोयला। कोयला कठोर और काला रंग का होता है। कोयला का उपयोग हम खाना पकाने में और विद्युत बनाने में करते हैं। कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि वह भी वनस्पति के अवशेषों से बना हुआ है। करीब 300 मिलियन वर्ष पहले जब धरती पर घने घने पेड़ पौधे उगते थे, तब इन वनस्पति के मृत्यु के पश्चात उनका ढेर बनता गया और नीचे पड़े मृत वनस्पति पे दबाव बढ़ता गया। इस उच्च ताप और दबाव के कारण वे कोयला में परिवर्तित हो गए और इसे कार्बनीकरण कहलाया जाता है। कोक कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कोक एक कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ है। कोक का उपयोग बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है और औद्योगिक के निर्माण में भी। कोलतार। कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा है जो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार से प्राप्त पदार्थ का उपयोग विभिन्न क्षेत्र में किया जाता है। कोयला गैस और पेट्रोलियम। कोयले के प्राक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत में हो रहा है। पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से ही पाए गए हैं। पेट्रोलियम का निर्माण बिल्कुल कोयले के समान है, लेकिन इसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। यानी कि कई लाखों वर्ष पहले जब समुद्र में रहने वाले जीवों की मृत्यु होती थी, तब वे धरती में जाकर दब जाते और उसी उच्च ताप और दबाव के कारण वे पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते। पेट्रोलियम के परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। पेट्रोलियम का गंध बड़ा ही अप्रिय होता है और पेट्रोलियम विभिन्न संगठनों से बना हुआ है। पेट्रोलियम के विभिन्न प्रवजों को पृथक करना पेट्रोलियम परिष्करण कहलाया जाता है। पेट्रोलियम के कुछ प्रभाजो है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। और तो और प्राकृतिक गैस लाभपूर्वक इसीलिए है क्योंकि इसका प्रयोग करने पर वायु का प्रदूषण भी कम किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं क्योंकि इन्हें बनने में काफी लाखों वर्ष लग जाते हैं, किंतु मनुष्य जिस रफ्तार से इनका उपयोग कर रहा है वे कुछ ही 100 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे।
इसीलिए हमें इनका बचाव शुरू कर लेना चाहिए। बचाव करने के लिए हमें पहले तो गाड़ी को समान और मध्यम रफ्तार से चलाना होगा, दूसरा टायरों का दब सही रखना होगा और तीसरा गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना होगा। धन्यवाद। आशा है कि आपने प्राकृतिक संसाधनों का महत्व पूरी तरह से समझ लिया होगा और तो और यह भी जान लिया होगा कि निकट भविष्य में सीमित संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यह घबराने वाली बात नहीं है और तो और यह आपके लिए एक अवसर है ताकि आप एक ऐसी खोज करें ताकि आने वाले पीढ़ियों को ऐसे सीमित संसाधनों पर निर्भर ना रहना पड़े।